आज मैं आई हूँ गीतांजलि स्टूडियो एट गुड़गांव। यहाँ पर जो है मैं अपना केराटिन हेयर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, तो आज जो है मौका मिल ही गया। मैं दिल्ली में थी और इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता था। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बालों की हालत, बिल्कुल घोंसला बन गए, घोंसला, चिड़िया का घोंसला। तो मतलब अब इन मेरे बालों को ना ज़रूरत है केराटिन ट्रीटमेंट की। आप केराटिन करवाने जाते हैं वो हेड वॉश करते हैं, तो यहाँ पर जो है वही मेरा हेड वॉश हो रहा है। इसके बाद जो है केराटिन क्रीम जो है मेरे पूरे सर पे जो है वो लगाई जाएगी। मेरे बालों को जो है सुखा दिया गया है और उसके बाद जो है अब मेरे बालों पे केराटिन क्रीम लगाई जा रही है। हर एक इंच में जो है वो केराटिन क्रीम लगाई जाती है ताकि आपके जो बाल हैं वो थोड़े हेल्दी हों। बेसिकली इसका काम ये रहता है कि आपके बालों में जो है एक लेमिनेट जो होता है, लेमिनेशन टाइप से होता है ना, उस तरीके से आपके बालों में एक लेमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपके बाल थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं। पहले जितने तो नहीं, मतलब मुझे तो स्ट्रेट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मेरे फेस पे तो और भी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो मुझे जो है केराटिन चाहिए था, जिसकी वजह से थोड़े बस जो है मेरे बाल मैनेजेबल हो जाएं। पूरी क्रीम लग जाती है, उसके बाद जो है बालों को अच्छे से कॉम किया जाता है और करीबन 30 मिनट से ज़्यादा जो है आपके बालों में केराटिन क्रीम को इसी तरीके से छोड़ा जाता है। और उसके बाद जो ब्लो ड्राई होता है उससे इस तरीके से कॉम किया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पे ये कॉम कर रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी वाली स्मेल आ रही थी, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। तो उसके बाद जो है मैंने मास्क लगाया, एक नहीं दो दो मास्क लगाए, क्योंकि मुझसे झेला नहीं जा रहा था। जब आपके बाल जो है अच्छे से कॉम हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये स्ट्रेटनर से जो है अच्छे से जो आपके बालों को ना स्ट्रेट करते हैं, ताकि जो भी क्रीम उन्होंने बालों में लगाई है वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए आपके बालों में, एक एक इंच जो है ना आपके बालों में वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। तो ब्लो ड्राई के बाद ना ये एक एक छोटे छोटे बालों को लेंगे और उसके बाद अच्छे से जो है वो स्ट्रेट करेंगे। पूरा प्रोसेस हो चुका है और उसके बाद अभी जो मेरे बालों में क्रीम लगी है इसको इसी तरीके से छोड़ना है करीबन दो दिन तक। उसके बाद जो है प्रोटीन हेयर वॉश होगा और तब जो है एक्चुअल में जो है एक लुक जो है आएगा कि किस तरीके से जो है आपके बाल लगते हैं। अभी यहाँ देख सकते हैं केराटिन क्रीम लगाने के बाद जो है मेरे बालों में जितना भी कलर है ना वो दिख रहा है कि हाँ कौन कौन सा कलर लगा हुआ है। जो है बाल आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है वो, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर यूज़ किया है, इसकी वजह से बाल स्ट्रेट दिख रहे हैं। केराटिन का तो बेसिकली यही होता है कि आपके बाल बस मैनेजेबल हो जाते हैं, स्ट्रेट नहीं रहते हैं। दो दिन के बाद मैं फिर से आई हूँ गीतांजलि स्टूडियो में अपना हेड वॉश करवाने। केराटिन ट्रीटमेंट के बाद जो है आपको हेड वॉश करवाना पड़ता है, प्रोटीन हेड वॉश कहते हैं उसे, तो वही करवाने के लिए मैं आई हूँ। हेलो, हाँ पहुँच रही, गलत जगह चली गई, जा रही थी, डाला तो वही मॉल था लेकिन पता नहीं दूसरा कोई मॉल भी, मुझे क्या पता। हाँ हाँ, आप तो मुझे देखे ही नहीं, आप हो उस दिन किया था, वही मैं सोचा कौन है भाई, मैं तो पहचान गया था आपको एकदम से। हाँ
पहचानेंगे, अभी दो दिन पहले ही तो आई थी मैं, तो पहचानेंगे कैसे नहीं। लेकिन भाई ये केराटिन लगाने के बाद बालों की क्या अजीब सी हो जाते हैं, वॉश करने के बाद आई थिंक सॉफ्ट होंगे। आपको तो याद रहते होंगे सबकी शक्लें, थोड़ा बहुत रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, याद रहता है ज्यादातर। मेरा मेरा इसलिए ज्यादा याद रहा होगा क्योंकि कैमरा था साथ में। थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। अभी अपने वॉश किया उसके बाद अभी कंडीशनर लगा रहे हैं क्या? हाँ कंडीशनर लगा। कौन सा वाला लगा रहे हैं? अच्छा, लेकिन कंडीशनर तो लेंथ में मतलब उसमें नहीं लगाया जाता है, स्कैल्प में? स्कैल्प में है, लेंथ को लगा सकते हो, है ना? तो अभी आप क्या लगा रहे हो? कंडीशनर। तो आप तो मेरी स्कैल्प में भी लगा रहे हो? नहीं डालते हो, मैं अच्छे से है। हम घर पे इसलिए मना करते हैं लेंथ से लगाने के लिए कि प्रॉपरली ना निकल जाए, कई बार होता है ना कुछ से नहीं होगा। ओके, निकल जाता है। तो मतलब पार्लर में लगा लो और घर पे मत लगाओ। प्रॉपरली अगर आप निकाल सकते हो तो अलग बात है, लगा सकते हो। इसको छोड़ना है दो चार पाँच मिनट जैसे आपके पास टाइम हो। Okay. दो मिनट तो छोड़ना ही छोड़ना। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कर रहे हैं, मेरे बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर रहे हैं ताकि मेरा जो लुक है वो एग्जैक्टली पता लगे कि किस तरीके से जो मेरा लुक आएगा। इसकी वजह से ये मेरे बालों को पूरा अच्छे से सेट कर रहे हैं। आफ्टर एवरीथिंग आप देख सकते हैं मेरे बालों का लुक काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बालों में चमक भी जो है वो काफी ज्यादा है, और स्ट्रेटनर यूज किया है इसकी वजह से मेरे बाल और भी ज्यादा स्ट्रेट और खूबसूरत लग रहे हैं। होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो क्या करना है पता है ना? हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। ऐसे और नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।